रबी सीजन चल रहा है, खेतों में किसान रबी फसलों की बुआई कर रहे हैं। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं है। किसानों ने सरकारी केंद्र और बाजार से बेहतर गेहूं के बीज लाकर बोना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार भी अलग अलग स्टेट से गेहूं बुआई के आंकड़े जुटा रही है। अच्छी बात यह है कि देश में हर दिन गेहूं बुआई का रकबा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि रबी सीजन के दौरान गेहूं की बुआई जिस तरह से हो रही है, उससे गेहूं का भरपूर स्टॉक आने वाले समय में मौजूद रहेगा। केंद्र सरकार के आंकड़ों में चालू रबी सीजन में 2 दिसंबर तक सभी रबी फसलों की कुल बुआई का रकबा 450,61,000 हेक्टेयर हो गया। ये एक साल पहले 423,52,000 हेक्टेयर था। फसलों की बुआई एरिया में 27 लाख हेक्टेयर की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं खरीफ की फसलें कटने के बाद देश के सभी राज्यों में रबी फसलों की बुआई चल रही है। गेहूं की बुआई अक्टूबर में शुरू होती है और कटाई का समय मार्च और अप्रैल में होता है। पिछले 2 महीने से देश में गेहूं की बुआई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकारी आंकड़ों में गेहूं बुआई का एरिया सालाना 5.36% बढ़कर 211 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इसी समय तक गेहूं का रकबा 200 लाख हेक्टेयर था, अब करीब 211 लाख हेक्टेयर हो चुका है। पिछले साल के मुकाबले इस साल गेहूं की बुआई में 11 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में अधिक रकबे में गेहूँ बोया गया है। वहीं धान खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में बोया जाता है, लेकिन इसे खरीफ की प्रमुख फसल माना जाता है। धान के कुल उत्पादन को देखें तो 80% धान खरीफ सीजन में होता है, जबकि 20% धान रबी सीजन में बोया जाता है। चालू रबी सत्र में 2 दिसंबर तक धान की बुआई का रकबा भी 10,62,000 हेक्टेयर हो गया है, जो कि पिछले साल 9,53,000 हेक्टेयर था। ये मामूली बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मोटे अनाजों की खेती का रकबा बढ़कर 32,63,000 हेक्टेयर पहुँच गया है। साथ ही दलहन की बुआई का रकबा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दलहन की बुआई भी मौजूदा समय में चल रही है और दलहन बुआई का रकबा चालू रबी सीजन में 2 दिसंबर को बढ़कर 112,67,000 हेक्टेयर पर पहुंच चुका है। एक साल पहले यह 108,57,000 हेक्टेयर था। दलहन फसलें में चना बुआई का एरिया बढ़कर 89,82,000 हेक्टेयर हो चुका है। एक साल पहले इसी समय तक यह 75,80,000 हेक्टेयर था। मोटे अनाजों की खेती पिछले साल 29,02,000 हेक्टेयर में हुई और अब 32,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं तिलन का रकबा भी 83 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो कि साल भर पहले 75 लाख हेक्टेयर था। रैपसीड सरसों का रकबा पिछले साल 69 लाख हेक्टेयर था, जो कि इस साल 76 लाख हेक्टेयर पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।